दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ नौकरानी के हाथ का खाना नहीं खाओगी तो होटल का कैसे खाओगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अरे बहू, दूरबीन से खाना बनवाओगी, हमारा धर्म भ्रष्ट ना हो जाएगा। मैं तो उसका स्पर्श किया हुआ खाना नहीं खाऊंगी। सास लीलावती जी ने मुंह बिसकाते हुए कहा, उसमें धर्म भ्रष्ट होने वाली क्या बात हो गई, वो भी तो हमारी तरह इंसान है, साफ सुथरी है सबसे, बढ़कर ईमानदार है। माँ, आपको समझना ही पड़ेगा मुझे सर्वाइकल की दिक्कत के चलते। मैं इधर कुछ महीनों तक घर के काम काज नहीं कर पाऊंगी। रीता जी ने अपनी सास से यासना भरे स्वर में कहा, तो घर के बाकी काम, कपड़े धुलवाना, प्रेस करवाना, घर की साफ सफाई करवाना, ये सब करवाओ ना। रसोई घर में घुसेड़ने की क्या जरूरत है? तो फिर आप ही बताइए खाना कौन बनाएगा? मैं तो ढूंढ कर थक गई हुई हूँ। कोई खाना बनाने वाली महाराजिन नहीं मिली, जो मिली उनकी दिमाग बहुत खराब है। कुछ भी हो जाए खाना दूरबीन नहीं बनाएगी। सासू माँ जिद पर अड़ गई। ये क्या बात हुई दादी माँ, किस जमाने में जी रही हैं? हम लोग बाहर खाना खाने जाते हैं, आप भी हमारे साथ बड़े शौक से जाती हैं होटल में खाना खाने। वहाँ आपको पता होता है खाना बनाने वाले या परोसने वाले किस जाति धर्म से संबंध रखते हैं। ये जो ऑनलाइन डिलीवरी लाते हैं उनका जाति धर्म आप जानती हैं, फिर भी उनका स्पर्श किया हुआ सामान झट से ले लेती हैं। यहाँ तक कि ग्रोसरी शॉप पर, कपड़े की शॉप पर जो आपको सामान देते हैं उनकी जाति धर्म आप जानती हैं। ऑटो रिक्शा में, बस में, ट्रेन में जो भी आपके अगल बगल बैठते हैं उनके बारे में आप सब जानती हैं। स्कूल में अगर टीचर उस जाति का नहीं हुआ तो आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएगी। आप कहाँ तक ये भेदभाव करती रहेगी? माँ को डॉक्टर ने मना किया है कोई भी काम करने से। अगर आप जिद पर अड़ी रहेगी तो उनको अपनी तकलीफों से छुटकारा नहीं मिलेगा। उनकी तकलीफों को सम जिए दूरबीन आंटी को तो हम सभी भली भांति जानते।
हैं। वो वर्षों से हमारे घर में कपड़े धो रही हैं। उन्हें हमारे घर के कामों का अनुभव है। वो अगर हमारे रसोई घर में जाकर हम सभी के लिए खाना बना देगी तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई ऐतराज होगा। 18 वर्षीय पोते युवराज ने अपने तर्कों से दादी माँ को निरुत्तर कर दिया। हाँ हाँ ठीक है, तुम और तुम्हारी माँ जीत गए और मैं हार गई। जो मन करे वो करो, मैं बुढ़िया कौन होती हूँ घर के मामलों में हस्तक्षेप करने वाली। मुझे बस समय पर खाना मिलना चाहिए, फिर कोई भी बनाए, मुझे कोई लेना देना नहीं। दादी माँ ने भी बेमन से ही सही, लेकिन दुबिन आंटी से खाना बनाने के लिए अपनी स्वीकृति दे ही दी। ये हुई ना बात, आखिर तुम्हारी दादी माँ तुम ही से मानी। तुम्हें पता है उन्हें कैसे समझाना है, उनके तरीके उन्हीं पर आजमा लिए। माँ बचपन में वो भी हर बात ऐसे ही समझाती थी और अंत में अपनी बात मनवा कर ही रहती थी। दोनों माँ बेटे लीलावती जी के मान जाने पर खुश थे। आखिर उनकी समस्या जो हल हो गई थी। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।